मनोज झा ने आज फिर कहा कि 12-13 सीटों से अगर कम मिला तो फिर वो अकेले भी जा सकते हैं, तो क्या ये क्राइसिस है इंडिया गठबंधन? नहीं, नहीं, देखिए मनोज झा जी की भावनाओं का, राजदत्त की भावनाओं का हम पूरा कद्र करते हैं, और आप जानते हैं जब कोई चीज़ नहीं होती है तो निश्चित रूप से सबको अपना अपना हिस्सा देना पड़ता है, तभी कोई तीसरा आदमी एडजस्ट होता है। अब तक हम लोग राजद, जेएमएम और कांग्रेस एक साथ थे, अब सीपीआईएमएल को भी हमें साथ लेना है, तो उनको भी सीटें देनी है, तो निश्चित रूप से हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के दौरान ये बात सही है कि सभी लोगों के 81 विधानसभाओं पर संगठन है, ये सही है कि उन्होंने माना है कि 14 विधानसभा सीटों पर वो लड़ना चाहते हैं, 81 पे हम लड़ना चाहते हैं, 81 पे जो है जीएमएम भी लड़ना चाहती होगी, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन जब कोई समझौता, समन्वय और गठबंधन होता है तो उसमें सब लोगों को त्याग करना पड़ता है, और हम समझते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे गठबंधन के अहम अंग हैं और उनकी वजह से एक गठबंधन में रौनक रहती है, तो निश्चित रूप से वो उन सारी बातों का ख्याल रखा जाएगा। और हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और अगर सच पूछिए तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनसे सारी बात हो रही है, बहुत जल्द सारी सूची आपके सामने। लेकिन